बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर फ्रेंड्स, गुड डे एवरीवन। इट इज माय प्लेजर टू इंट्रोड्यूस आवर एस्टीम्ड गेस्ट फॉर टुडेज वेबिनार, डॉक्टर मुबशर हुसैन रहमानी। डॉक्टर रहमानी इज करंटली एन एडिटर ऑफ IEEE कम्युनिकेशन सर्वेस, एडिटोरियल एसोसिएट एडिटर ऑफ IEEE कम्युनिकेशन मैगजीन, IEEE एक्सेस जर्नल, Elsevier Computer and Electrical Engineering Journal. He is also serving as guest editor for Elsevier Ad Hoc Network Journal, Elsevier Pervasive and Mobile Computing Journal. Dr. Rahmani has remarkable publication record with 216 publications to his credit, including numerous peer-reviewed articles and book chapters. His publication has garnered more than 99,000 reads and over 8,500 citations, demonstrating his expertise in field and significant contribution to the academic community. We are incredibly fortunate to have Dr. Rahmani as our guest speaker for today's webinar, and I am confident that his insights and expertise will prove to be invaluable to our students. Please join me in welcoming Dr. Mubashshir Hussain Rahmani to our webinar. Sir, please start. जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर हमीद साहब, और मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का। मैं उर्दू में बात कर लूँ मुनासिब है? जी, तो बेसिकली जो मेरा टॉपिक है वो क्रिप्टो करेंसी, NFT, मेटावर्स और ब्लॉकचेन पे है। और अगर आप ने ये की टर्म्स सुनी होंगी, Web3, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, DeFi, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, NFTs, नॉन फंजेबल टोकन्स और क्रिप्टो करेंसी, इनके पीछे जो कोर टेक्नोलॉजी है, इन तमाम टेक्नोलॉजीज के पीछे, वो ब्लॉकचेन है। तो मैं इस वेबिनार के अंदर इन तमाम चीज़ों का आज थोड़ा थोड़ा अहाता करूंगा और फोकस करूंगा ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी पे, और साथ में कुछ एग्जांपल्स दूंगा NFT और मेटावर्स की भी। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें हम इंटरनेट से एक वर्चुअल लैंड खरीदेंगे और बेचेंगे कि किस तरीके से वो खरीदो फरोख्त होती है इंटरनेट पे। तो ये एक वेबसाइट है, ये बेसिकली वेबसाइट है nextearth.io की, और ये बेसिकली इसके अंदर आप जो लैंड का पीस है, डिजिटल लैंड पीस है, उसको आप खरीदो फरोख्त कर सकते हैं मेटावर्स के लिए। तो ये एक प्लेटफॉर्म है मेटावर्स में, जो आप जो भी अपनी कोई डिजिटल एसेट या कोई चीज़ बनाएंगे, लेट से आपने अपनी कोई जो है बिल्डिंग बनानी है या आपने अपना शॉपिंग मॉल बनाना है, तो उसके लिए आपको एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मेटावर्स का लैंड वो इस वेबसाइट से आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पे मैंने चेक किया, ये आपके सामने इमेज आ रहा होगा, तो पूरी दुनिया का मैप इन्होंने ले डाउन किया हुआ है, और उस मैप के अंदर आप कोई भी पोर्शन जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको बता देगा कि उस लैंड पीस का कितना एरिया आपको रिक्वायर्ड है, आप वो सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद वो बता देगा कि उस लैंड पीस का ओनर कौन है, उसकी टोटल प्राइस क्या है। अच्छा, ये एफिल टावर, फ्रांस में एफिल टावर है, तो उसका एरिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा लाइट ब्लू कलर के अंदर, ये साथ में दरिया सैन है, तो ये एरिया मैंने सेलेक्ट किया। अब इस एरिया की, इस डिजिटल लैंड एरिया की जो प्राइस आ रही है वो USDT के अंदर आ रही है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है, और इसकी प्राइस तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से जो है तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए बनती है इस छोटे से डिजिटल लैंड की। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है कितनी कितनी कीमत है इस छोटे से लैंड की, डिजिटल लैंड की, मेटावर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, फिर मैं एक और जो है जगह जाके चेक करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये आपको नस्ट, इस्लामाबाद का डिजिटल लैंड है, नस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इस्लामाबाद में है, पिंडी इस्लामाबाद के पास, तो वहाँ पर जाके मैंने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी कीमत जो मुझे नज़र आ रही है वो महज तकरीबन 2.5 लाख रुपए, पाकिस्तानी रुपए की मुझे मिल रही है ये, और इसके अंदर मैं ट्रैक भी कर सकता हूँ कि कौन कौन से इसके ओनर्स थे, प्रीवियस ओनर्स, और फिर अगर कोई अपना लैंड पीस बेचना चाह रहा है तो मैं उससे वो ख़रीद भी सकता हूँ, तो ये इसकी कीमत है।
इसकी कीमत कम इस बात से है क्योंकि इस लैंड पीस के अंदर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, यानी अभी इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं है ये लैंड पीस, जबकि इसके बिल्मुकाबिल जो एफिल टावर था वो बहुत ज़्यादा लोग उस लैंड को एक्वायर करना चाह रहे थे, उस पीस को, तो इस वजह से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ये तो मैंने नेक्स्ट अर्थ डॉट आई ओ के वेबसाइट से ये आपको एरियाज सेलेक्ट किए और इनकी प्राइजेस देख के आपको बता दी। अब इसके पीछे जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हुई हैं, देखें सबसे पहले तो इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल हुई है, पॉलीगॉन मैटिक, जिसकी मदद से हम ये डिजिटल लैंड खरीद सकते हैं। यानी अगर आपने इस नेक्स्ट अर्थ के प्लेटफॉर्म पर जाके खरीदो फरोख करनी है तो सबसे पहले आप अपना वॉलेट बनाएंगे और वॉलेट के अंदर आप अपने यूएस डॉलर्स या यूरोज या पाकिस्तानी रुपए की मदद से आप पॉलीगॉन मैटिक खरीदेंगे, यानी क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे। जब आपके पास क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी तो फिर आप इस वेबसाइट पे जाके क्रिप्टो करेंसी की मदद से, पॉलीगॉन मैटिक की मदद से इस डिजिटल लैंड को खरीद सकते हैं और फिर आगे उसको बेच सकते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो लैंड पीसेज हैं, वर्चुअल लैंड रिकॉर्ड्स हैं, इनको यूनिक बनाने के लिए NFTs, नॉन फंजिबल टोकन्स का इस्तेमाल किया गया है। और चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो या NFT हो, इसके पीछे जो कोर टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन की है। और मेटावर्स वो प्लेस होगी जहाँ पे हम इस वर्चुअल पीस, लैंड ऑफ पीस को हम इस्तेमाल कर सकेंगे और उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक वेबसाइट किस तरीके से डिजिटल करेंसीज को, डिजिटल करेंसीज को इस्तेमाल कर रही है, NFTs को इस्तेमाल कर रही है और उसकी वजह से डिजिटल लैंड आपको प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, फिर मैं एक और वेबसाइट पे चला जाता हूँ। ये भी एक बेसिकली वेबसाइट है जो कि earth2.io के नाम से जानी जाती है, और ये भी जो है मेटावर्स से रिलेटेड आपको डिजिटल एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी वेबसाइट पे मैं चला गया। अब इनकी वेबसाइट पे जब मैं गया तो फिर मैंने वही सेम एरिया एफिल टावर का यहाँ पर जाके सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मुझे ये बता रहा है कि उनकी वेबसाइट पे ये जो डिजिटल लैंड है एफिल टावर का, ये उसका ओनर कौन है और ये कितने में बिक रही है। तो ये एक दूसरी वेबसाइट थी जो कि सेम एरिया मुझे बेच रही थी। अच्छा, इसके अलावा ये एक और वेबसाइट है डी सेंट्रल लैंड, और इसकी मदद से हम अगर आप उसमें खुद जा सकते हैं, अवतार बना सकते हैं और जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें एक वर्चुअल दुनिया बनाई गई है और यहाँ पे आप डिफरेंट डिजिटल एसेट्स, स्किन्स, वेपन्स, शूज और बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स वगैरह आप यहाँ पे मेटावर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ले सकते हैं और अपनी जो है ना, अपनी एक एम्पायर खड़ी कर सकते हैं डिसेंटरलैंड के अंदर, जो कि डिजिटल मेटावर्स है। तो बुनियादी, देखें ये सारे एग्जाम्पल्स देने का बुनियादी मकसद ये था कि हम समझें कि इस वक्त मेटावर्स और NFT और क्रिप्टो करेंसीज के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस हैं। सबसे पहला इशू तो ये है कि जो हमने पॉलीगॉन मैटिक से, USDT क्रिप्टो करेंसी से ये जो डिजिटल वर्ल्ड खरीदा, क्या ये लीगली भी एक्सेप्टेड होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि इस डिजिटल लैंड का जो कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है वो मौजूद है, मगर वही सेम डिजिटल लैंड जो मैंने आपको एफिल टावर की एग्जांपल दी, नेक्स्ट अर्थ और earth2.io, ये दो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा भी और भी वेबसाइट्स हैं जो कि सेम डिजिटल लैंड को बेच रही हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से। तो क्या कोई इश्यू होगा ओनरशिप के हिसाब से जब हम इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो है इस वर्चुअल लैंड को खरीदेंगे। इसी तरीके से एक यूनिक NFT बनाया गया इस वर्चुअल लैंड का हर हर वेबसाइट ने, और उसकी मदद से हम अपने इस डिजिटल लैंड को आगे बेच रहे हैं। तो क्या एक वेबसाइट पे जो NFT हमने लिया, क्या वो दूसरी वेबसाइट पे एक्सेप्टेबल होगा? और एक ही सेम डिजिटल लैंड का जब हम मल्टीपल NFTs बना रहे हैं तो उसकी हैसियत या उसकी कीमत, उसकी वक़्त क्या होगी? इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं वर्चुअल लैंड के, हम उसको कैसे जो है टैक्स रिजीम के अंदर लेके आएंगे। देखें, कोई शख्स अगर पाकिस्तान में बैठ के अगर ये डिजिटल लैंड खरीद लेता है 2.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, तो उस पर वो टैक्स कैसे देगा? हुकूमत उस पर टैक्स कैसे लेगी, उसको टैक्स रिजीम के अंदर कैसे लेके आएगी? और फिर उसके बाद क्या वो वर्चुअल लैंड, उसकी हैसियत क्या होगी, कानूनी हैसियत उसकी क्या होगी? देखें, बात बात यह है कि अगर नस्ट की ज़मीन को जाके आप वहाँ से ले लें नेक्स्ट अर्थ की वेबसाइट पे और डिजिटल अर्थ की वेबसाइट से,
और जाके ये क्लेम करना शुरू करें कि जी नस्ट के जो मेरे पास असल हुकूक आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये तो आप डिजिटल लैंड खरीद रहे हैं और इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या इवन रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, वो उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो ये बेसिकली एक किसी भी शख्स ने एक वेबसाइट बना ली और उसने पूरी दुनिया का मैप बना लिया और उसने मेटावर्स के नाम पे वो डिजिटल अर्थ, डिजिटल असासे, डिजिटल एसेट्स बेचना शुरू कर दिया और इसके बेसिस पे जो है लोग उसको धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, फरोख कर रहे हैं और उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। मगर जैसे मैंने पहले बताया, इसकी कोई कानूनी वर्थ नहीं है, उसकी कोई लीगल स्टेटस नहीं है और उसको कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और इसी तरीके से साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सीरियस इश्यूज रिसर्चर्स और साइंटिस्ट रेज कर रहे हैं कि यार एक ही डिजिटल लैंड है, एक बंदा उठता है, वो अपनी वेबसाइट बनाता है, उसका एनएफटी क्रिएट कर देता है, उसी सेम डिजिटल लैंड पीस की एक और बंदा उठ के एनएफटी बना लेता है। तो ये जो अनरेगुलेटेड चीज़ें चल रही हैं, ये जो है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ये इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखी जा रही और ये इश्यूज़ हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जो जितने भी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं जो कि जिनकी ट्रेडिंग हो रही है, खरीदो फरोख्त हो रही है, वो जो है सिर्फ डिजिटल एसेट्स की हो रही है। उनके साथ जो फिजिकल एसेट है, असल फिजिकल एसेट, वो लिंक नहीं है। अगर तो फिजिकल एसेट भी लिंक हो तो फिर उसकी कोई कानूनी हैसियत होगी, उसकी कोई शरई हैसियत होगी और उसको उसकी जो है ना कोई वर्थ भी होगी गवर्नमेंट के हिसाब से। आप वो डिजिटल एफिल टावर की ज़मीन खरीद लें या नस्ट की ज़मीन खरीद लें, मगर आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते, आप वहाँ जाके तामीरात शुरू नहीं कर सकते। इवन जो एफिल टावर की आप डिजिटल लैंड खरीद रहे हैं, कोई दूसरा बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म से वही एनएफटी बना के खरीद रहा है, तो आप उसकी डिजिटल ओनरशिप राइट भी क्लेम सही तौर पर नहीं कर पा रहे। आपके पास सिर्फ ब्रैगिंग राइट्स हैं, यानी आप शेखी बगाड़ने के लिए कह सकते हैं कि देखो मेरे पास डिजिटल लैंड है एफिल टावर का, मगर उसकी कोई सिग्निफिकेंस या कोई भी वर्थ नहीं है। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट था कि किस तरीके से मेटावर्स के अंदर चीज़ें डेवलप हो रही हैं और डिजिटल एसेट्स की खरीदो फरोख्त हो रही है क्रिप्टो करेंसी से, एनएफटी से, और इन सब टेक्नोलॉजीज के पीछे ब्लॉकचेन है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो करेंसी का बैकग्राउंड क्या है और क्यों इतनी ज़्यादा लोगों में इसके बारे में सेंसिटिविटी है और लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात समझने की है कि इस वक्त 17,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं, यानी हर नए दिन के साथ एक नई क्रिप्टो करेंसी या कोई नया डिजिटल एसेट मार्केट में आ रहा है। और ये आप किसी भी मार्केट प्लेस पर जाके चेक कर लें, आप खुद भी जाके अपनी नई क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। यानी आप क्या करें, गिटहब पर चले जाएं और वहाँ पे बिटकॉइन का कोड, सोर्स कोड अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स कोड है, आप उसको डाउनलोड कर लें। आप उसके अंदर अपनी मर्जी के हिसाब से चेंजेस करें, उसके प्रोग्रामिंग करें और उसका नाम चेंज करें और आप अपनी नई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। मगर डेफिनेटली वो क्रिप्टो करेंसी अगर आपने उसको जो है एक्सेप्ट करवाना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको पास ताकत भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, लॉबीज भी होनी चाहिए, असर रसूख भी होना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्रिप्टो करेंसीज की तादाद जो है हर नए दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इनमें से मशहूर क्रिप्टो करेंसीज हैं वो बिटकॉइन है, जिसको BTC भी कहते हैं, इथीरियम है, टीथर है, XRP है, लाइटकॉइन है, कार्डनो और भी इसके अलावा बहुत सारी हैं। मगर अगर आप इन तमाम 17,000 या 20,000 के करीब क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टो असासों को कलेक्ट करें और उनका मार्केट कैपिटल देखें, यानी उन पे लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको गैदर करें, तो आपको पता चलेगा कि दो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज तमाम इन एसेट्स में 60% के करीब उनका जो है कंट्रीब्यूशन है, और वो बिटकॉइन और इथीरियम है। तो हम फोकस करेंगे बिटकॉइन पे ही और इथीरियम पे भी थोड़ा बहुत। तो सवाल ये पैदा होता है कि लोग बिटकॉइन, इथीरियम और ये गीगर क्रिप्टो करेंसीज क्यों खरीदते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे लोग उसको एज अ करेंसी के तौर पे नहीं ट्रीट कर रहे। अगर आप पाकिस्तान में ही चेक कर लें उसको, तो लोग उसको एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें, ये पिछले जुलाई 2021 से जुलाई 2022 का मैंने यहाँ पे ग्राफ शेयर किया है और इसके अंदर बिटकॉइन की प्राइस है। तो नीचे एक्स एक्सिस पे मंथ है 2002 के और वाई एक्सिस पे उसकी कीमत है US डॉलर के अंदर, कि एक बिटकॉइन US डॉलर में कितने का था।
तो अगर आप जुलाई 2021 की बात करें तो जो जुलाई 2021 में एक बिटकॉइन $30,000 का था। इसका मतलब यह है उस वक्त के रेट के हिसाब से, अभी तो और भी कीमत बढ़ गई है इसकी, 60 लाख रुपए पाकिस्तानी बनता है वो, यानी एक बिटकॉइन 60 लाख रुपए पाकिस्तानी। फिर अगर आप अक्टूबर 2021 में इसकी कीमत चेक करें तो ये $30,000 से 60,000 US डॉलर तक पहुंच गया, यानी 6 महीने, कुछ महीनों के अंदर इसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए हो गई। तो अब जिसके पास एक बिटकॉइन था जुलाई में, और अगर वो जाके अक्टूबर में कुछ महीनों बाद उसको बेच देता है, तो सिर्फ कुछ महीने में उसको 60 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ सिंगल क्लिक पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, रिटर्न ऑन प्रॉफिट जिसे कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, वो मिलता है। अच्छा, इसका अब एक नेगेटिव साइड भी है। मिसाल के तौर पर किसी ने अक्टूबर 2021 के अंदर एक बिटकॉइन खरीदा जो कि 60,000 US डॉलर का था, यानी 1,20,00,000 पाकिस्तानी रुपए का, और लेट से वो जुलाई जुलाई के अंदर 2022 के अंदर उसको बेचना चाहता है, तो उसके पास 40,000 US डॉलर यानी 80 लाख 70-80 लाख रुपए उसको लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस का फैक्टर है। तो ये वो इशू है जिसकी वजह से जो है बहुत अनसर्टेनिटी पाई जाती है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। तो जो लोग क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इसको जो है देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, और फिर उसके बाद वो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये तो एक साल भर का मैंने आपको ग्राफ शेयर कर दिया। अगर आप थोड़ा सा इसको क्लोज होके चेक करें तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ अगर हम एक एक हफ्ते का ग्राफ ले लें, तो एक हफ्ते के ग्राफ के अंदर 19,000 20,000 US डॉलर से बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $22,000 और फिर फ्लक्चुएट कर रही है। यानी दिनों में भी, एक दिन के अंदर भी अगर आप उसका फ्लक्चुएशन देखें तो जो जो उसकी जो वॉलिटिलिटी है और उसकी जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। और इसी ऊपर नीचे को स्पेकुलेटिव आंसर को लेते हुए, वॉलिटिलिटी को लेते हुए लोग पैसे कमाते हैं, और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब भी जाता है। अच्छा, अब ये क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये हम कहाँ से खरीद सकते हैं, और क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्लेस या एक्सचेंज क्या होते हैं, वॉलेट्स क्या होते हैं, तो ये मैं कुछ मशहूर क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्लेसेस के आपको नाम शेयर कर रहा हूँ। एक कॉइन बेस है, इसमें बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज रजिस्टर्ड हैं, वहाँ पर जाके आप इसकी खरीदो फरोख कर सकते हैं। बाइनेंस बहुत मशहूर है, ये भी मार्केट प्लेस है जिसके अंदर आप जाके क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स को ले सकते हैं, बेच सकते हैं। इसी तरीके से बिट फाइनेंस है, और ये बहुत सारे वॉलेट्स हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हैं, जिनकी मदद से आप क्रिप्टो करेंसी की खरीदो फरोख कर सकते हैं, या आप जो है NFTs को बाय और सेल कर सकते हैं। और इनमें से bitcoin.com का जो है वॉलेट है, कॉइन एड्रेस वालों का है, जैपिट है, ट्रेजर का है, तो ये बहुत सारे वॉलेट्स हैं जो, ये वॉलेट्स आपको चाहिए होंगे क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए या बेचने के लिए। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो, उसको क्रिप्टो इस वास्ते कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है, और ये जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स होते हैं ये बेसिकली सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको किसी एडवर्सरी की मौजूदगी में। यानी अगर आप कोई कम्युनिकेशन करना चाहें और वहाँ पे कोई एडवर्सरी हो, कोई दुश्मन हो जो आपकी उस कम्युनिकेशन को हैक करना चाहे, स्टील करना चाहे या स्निफ करना चाहे, तो वहाँ पे आप क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हुए आप जो है अपने अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाते हैं। जो फेमस क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हैं उनके अंदर इंक्रिप्शन है जो कि आपके डाटा को इंक्रिप्ट करता है, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं जिसकी मदद से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे उसको डिजिटली साइन करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। इसके अलावा हैशिंग एल्गोरिथम्स हैं। हैशिंग एल्गोरिथम क्या करते हैं कि आपको एक हैशिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और वो एक यूनिक हैश वैल्यू होती है जो कि इरिवर्सिबल होती है, और वो बताती है कि आपकी जिसका आपने हैश जनरेट किया है उसमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, हम क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं, ये टाइप है डिजिटल एसेट्स की, वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। और ये जिस नेटवर्क पे बनाई जाती है उसको ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन का मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, उसके क्या फीचर्स हैं।
क्रिप्टोकरेंसी का एक फीचर ये है कि इसको कोई सेंट्रल अथॉरिटी बैंक या गवर्नमेंट ओन भी नहीं करता और इसको कंट्रोल भी नहीं करता। यानी अभी जो हमारी इकोनॉमी है उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं, उसको जो चला रहे हैं, वो सेंट्रल बैंक्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। इस तरीके से रॉयल बैंक ऑफ इंग्लैंड है, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है, और यूरोपियन बैंक्स, यूरोपियन बैंक्स के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारी इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करते हैं और वो इकोनॉमिक पॉलिसी भी देते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी जो हम ख़रीदते हैं या बेचते हैं वो क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस के ज़रिए से करते हैं, बेचते हैं। अच्छा, जो हम क्रिप्टोकरेंसी अर्न कर सकते हैं, नई क्रिप्टोकरेंसी बना सकते हैं, वो माइनिंग के थ्रू बनाते हैं। यानी इसको इस तरह समझ लें, जैसे पाकिस्तानी रुपया है, तो अगर हुकूमत ने नया पाकिस्तानी रुपया छापना है तो क्रिप्टोकरेंसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर नई क्रिप्टोकरेंसी छापनी है तो माइनिंग का अमल कहलाएगा। माइनिंग का अमल एक ऐसा अमल होता है जिसके अंदर आप एक क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व करते हैं और अगर आप उसको सॉल्व कर लें तो आपको माइनिंग रिवॉर्ड प्लस ट्रांजेक्शन फीस मिलती है जिस ब्लॉक के अंदर होती है। तो इसकी मदद से एक नई जो है क्रिप्टोकरेंसी सर्कुलेशन के अंदर आती है, उसको कॉइन बेस्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं। अच्छा, जो बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी है वो बेसिकली एक ट्रांजेक्शन लेजर है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली एक लेजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आप ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक ट्रांजेक्शन लेजर है और इसकी कोई इंट्रांसिक वैल्यू नहीं है। मिसाल के तौर पर सोना होता है तो सोने की अपनी एक इंट्रांसिक वैल्यू है, मगर बिटकॉइन की अपनी कोई इंट्रांसिक वैल्यू नहीं है। इसके अंदर आर्टिफिशियली तौर पर वैल्यू क्रिएट की गई और बिटकॉइन के अंदर इटसेल्फ कोई बेनिफिट नहीं है। मिसाल के तौर पर सोना है, सोने को आप पिघला के उससे मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी बना सकते हैं या और किसी इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, मगर बिटकॉइन चूंकि डिजिटली एग्जिस्ट करता है ओनली, तो उसका कोई बेनिफिट एज सच नहीं है। यानी आप उसको किसी सॉफ्टवेयर से कंपेयर नहीं कर सकते। बिटकॉइन बेसिकली एक प्रोटोकॉल है और मिसाल के तौर पर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ले लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ले लें, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं। इसकी अपनी एक वर्थ होगी, आप उसको $200 $300 में खरीद लेंगे मार्केट से जाके। और बिटकॉइन इटसेल्फ उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है बेसिकली, और फिजिकली तो एग्जिस्ट करता नहीं है जैसे नॉर्मल दूसरी करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता। मगर हैरानकुन बात यह है कि ये डिजिटली भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे आप जरूर इस बात समझिएगा कि बिटकॉइन डज नॉट इवन एग्जिस्ट डिजिटली। देखें, अगर आप कोई इमेज लेते हैं, अभी जैसे आप लोग यहाँ पे सारे मौजूद हैं और मैं आपकी एक पिक्चर ले लूं, तो ये आपका एक इमेज आ जाएगा और मैं ये कहूँगा कि मेरे पास एक डिजिटल इमेज आ गया, डिजिटल पिक्चर आ गई, और मैं अगर किसी को भेजना चाहूँ अमेरिका के अंदर तो मैं क्या करूँगा, मैं या तो व्हाट्सएप के जरिए से उसको वो फाइल डिजिटल इमेज भेज दूंगा तो वो डिजिटल इमेज ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर मैं क्लाउड पे अपलोड कर दूंगा, या ईमेल में अटैचमेंट भेज दूंगा, या यूएसबी में डाल के उसको दे दूंगा, कोई ना कोई तरीके से मैं उसको इमेज को, डिजिटल इमेज को ट्रांसफ़र कर दूंगा। मगर ये जो बिटकॉइन है, ये आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वॉलेट में हैं और जब आपने सेंड के बटन पे क्लिक किया कि दूसरे बंदे को वो बिटकॉइन मिल गए, एक्चुअली वो बिटकॉइन नहीं मिल रहे होते, वो लेजर के अंदर, वो जो डेटाबेस है उसके अंदर एक एंट्री अपडेट हो रही होती है और आपका वॉलेट उस एंट्री को जाके कलेक्ट करता है और शो कर देता है कि मेरे पास बिटकॉइन आ गए, यानी उसने मुझे भेजे, मुझे आ गए। एक्चुअली इन रियलिटी ऐसा नहीं होता, बिटकॉइन डिजिटली एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये सिर्फ लेजर के अंदर अपडेट हो रही होती है। और कॉइन्स, बिटकॉइन कॉइन के अंदर, उसके अंदर कॉइन्स भी एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ ट्रांजेक्शन्स होती हैं और ट्रांजेक्शन जो है वो ओनरशिप राइट्स को बताती हैं कि किसके पास कितने बिटकॉइन हैं। इसको इस तरह समझ लें कि जब हम बिटकॉइन ट्रांसफ़र करते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो बेसिकली हम उसके एड्रेस पे, वॉलेट के एड्रेस पे उसको भेज रहे होते हैं जो पब्लिक एड्रेस है, और उससे क्या होता है कि जो लेजर की स्टेट होती है वो अपडेट हो जाती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से ये बताया जाता है कि ये क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करेगी। अब ये वो पहला ब्लॉक है जो मैंने यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए शेयर कर दिया है, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। ये पहला ब्लॉक है जिसमें सबसे पहली मरतबा बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की गई, ये ब्लॉक जीरो है। इसको जेनेसिस ब्लॉक भी कहते हैं, यानी जब भी कोई क्रिप्टोकरेंसी शुरू होती है तो उसका जो पहला ब्लॉक होगा उसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहेंगे, जहां से ब्लॉक चेन जो वो क्रिप्टोकरेंसी शुरू होगी। अब ब्लॉक बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ब्लॉक जीरो है, तो यहाँ पे इसकी पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है। ये 3 जनवरी 2009 को ये ब्लॉक माइन किया गया और इसकी
इसके अंदर आप इसकी हैश वैल्यू भी देख सकते हैं, कन्फर्मेशंस भी देख सकते हैं, माइनर भी देख सकते हैं, और जो है इसका साइज। अब इसमें पहली मरतबा ये ट्रांजेक्शन की गई, ये बेसिकली सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन लॉन्च किया तो उसने एक आर्टिफिशियल एड्रेस से जो है इस ब्लॉक को माइन किया, और जब ब्लॉक को माइन किया तो हमें पता है कि जब ब्लॉक को माइन करते हैं तो 50 BTC एज अ रिवार्ड के तौर पर मिलते हैं, तो उसको ये 50 बिटकॉइन उसको एज अ रिवार्ड के तौर पर मिल गए, और आप ये जाके ट्रांजेक्शन एड्रेस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले 50 बिटकॉइन केम इन टू एग्जिस्टेंस, यानी वजूद में आए। यानी हुआ ये कि जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई तो जो प्रोग्रामर था सतोशी नाकामोटो, उसने वो लॉन्च कर दिया वेबसाइट पे, और उसने कहा कि सबसे पहले मैं खुद ही माइन करता हूँ। तो एक एड्रेस से उसने माइन किया, एक एल्गोरिथम चलाया, उस वक्त डिफिकल्टी लेवल सिर्फ 1 था, यानी बहुत ही आसान, और जैसे ही वो चला तो उसको एज अ रिवार्ड के तौर पे 50 बिटकॉइन मिल गए। इस तरीके से उसने बहुत ज़्यादा माइनिंग की, खुद ही ट्रांजेक्शन डमी एड्रेस से ट्रांजेक्शन जनरेट की, और बहुत सारे बिटकॉइंस खुद अपने एड्रेस के अगेंस्ट, मुख्तलिफ एड्रेस के अगेंस्ट उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिए। और इससे पहले कोई जानता ही नहीं था बिटकॉइन को, तो इस तरीके से सबसे पहले उसने बहुत ज़्यादा बिटकॉइन अपने पास जनरेट कर लिए। तो ये आप सारी जाके ट्रांजेक्शन जाके चेक कर सकते हैं, खुद बिटकॉइन की वेबसाइट पे जाके जो ब्लॉक्स हैं, पूरा लेजर है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। अब मैं थोड़ी सी आपको और एस्पेक्ट्स पे भी जिक्र करना चाहूँगा। देखें, बिटकॉइन के अंदर और इथीरियम के अंदर, अभी इथीरियम ने अपना जो है प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग एल्गोरिथम चेंज किया, वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ गए हैं, तो अभी उनकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो इतनी नहीं है, मगर जो एनर्जी कंजम्पशन बिटकॉइन की है वो अभी भी सिग्निफिकेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा जाता है कि जो बिटकॉइन माइनिंग है ये वो एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। तो इससे मुराद क्या है? देखें, एनर्जी कंज्यूम करने से मुराद ये है कि माइनर्स होते हैं, माइनर्स को एक क्रिप्टोग्राफिक पजल सॉल्व करना होता है। अगर वो क्रिप्टोग्राफिक पजल को सॉल्व कर लेते हैं तो वो उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। आप इमेजिन करें, आप अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने कंप्यूटर से क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन माइन करें, और आपको एज अ रिवॉर्ड के तौर पर 50 बिटकॉइन, यानी एक बिटकॉइन अगर $20,000 का है तो आप इमेजिन कर लें कि 50 बिटकॉइन आपको मिले। अब 50 बिटकॉइन उस ज़माने में मिलते, अभी तो इसकी जो रिवॉर्ड है वो कम हो चुका है, 6.25 है BTC, मगर उस ज़माने में आपको 50 बिटकॉइन मिलते, और आज 6.25 6 बिटकॉइन अगर आपको मिल रहे हैं तो एक बिटकॉइन $20,000 का है, तो आप अंदाज़ा कर लें कि $1,20,000 आपको मिल जाएंगे, तो कितना बड़ा करोड़ों अरबों का अमाउंट होगा पाकिस्तानी रुपए का। तो ये वो वजह होती है कि लोग जो है ना बिटकॉइन माइनिंग पूल्स लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि माइनिंग फैसिलिटीज लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन माइन करें। जो बिटकॉइन में जो एनर्जी कंजम्पशन होती है वो माइनिंग की वजह से होती है। माइनिंग को इस तरीके से समझ लें कि माइनिंग में जो एनर्जी कंजम्पशन होती है वो आप बेसिकली एक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होते हैं, हैश वैल्यू, उसमें आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एनर्जी ले रहा होता है। आपको जो है ना, अगर आप बहुत सारी मशीन्स लगा दें, कंप्यूटर लगा दें, अगर आप में से किसी का इत्तेफाक हो डेटा सेंटर को जाके देखने के अंदर से, तो डेटा सेंटर के अंदर हज़ारों की तादाद में माइक्रो प्रोसेसर्स और कंप्यूटर्स लगे होते हैं, तो उनको आपको कूल करना पड़ता है। आपके अपने लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर जो है हीट सिंकिंग जो डिवाइसेस लगी होती हैं, बाद मरतबा फ़ैन लगे होते हैं जो कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं। तो जब आप बहुत सारी जगहों पे एक ही जगह पे बहुत सारा ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम लगाते हैं और माइनिंग करते हैं, तो आपकी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी, तो एक तो वही डिवाइसेस एनर्जी कंज्यूम करती हैं, और साथ साथ जो आपका जो जिस जगह पे आपने वो माइनिंग पूल लगाए हैं या डिवाइसेस लगाई हैं उसके टेम्परेचर को भी आपको रेगुलेट करना होगा, और आपको जो है एयर कंडीशनिंग यूनिट्स लगाने होंगे, तो इस वास्ते आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। अच्छा, ये एक डिवाइस है, आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप से भी माइनिंग कर सकते हैं, मगर जो माइनिंग के चांसेस हैं सक्सेस होने के वो 0.00000 यानी ना होने के बराबर हैं, और उसकी वजह यह है कि डिफ़िकल्टी जो या हैश रेट बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होगा, डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके लिए हमें पावरफुल डिवाइसेस चाहिए होती हैं। ये एक डिवाइस है आर्ट माइनर, बिटकॉइन माइनर S19 Pro, और भी इनके वर्जन हैं। ये बेसिकली 12 लाख रुपये की डिवाइस मिलती है। ये आप डिवाइस अमेजोन से या इनकी वेबसाइट से जाके खरीद लें और फिर इसको लगा दें माइनिंग पे, तो ये आपको कुछ ना कुछ माइन करके दे देगी। इसी तरीके से ये एक पूरा कंटेनर है जो कि बड़े, जैसे आपने कंटेनर देखा होगा बड़े बड़े ट्रक्स के ऊपर होते हैं पीछे, ये कंटेनर में
इसके अंदर जो है 210 ये आंट माइनर की डिवाइसेस लगाई गई हैं और ये 1 मेगावाट ऑपरेटिंग कैपेसिटी है इसकी, और इसकी कीमत जो है वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए है तकरीबन, यानी 1,11,000 US डॉलर की कीमत है। तो लोग ये पूरा कंटेनर ले लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इसके ज़रिए से ये ऑटोमेटिकली माइनिंग करना शुरू कर देता है और फिर आप बिटकॉइन में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो जैसे मैंने आपको कंटेनर बताया, इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है कंजम्पशन, अगर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडेक्स है जो उन्होंने बनाया हुआ है उसको जाके चेक करें, तो वो कंपेयर करते हैं कि साल भर में पूरी दुनिया में जो बिटकॉइन माइनिंग हुई और पूरी दुनिया में जो मुल्कों ने जो एनर्जी कंजम्पशन की उसका जायज़ा लेते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो आप देखें पाकिस्तान की 103 टेरावाट आवर पर ईयर एनर्जी कंजम्पशन है साल भर की पूरे पाकिस्तान की, यानी कमर्शियल कस्टमर्स की भी और डोमेस्टिक कस्टमर्स की भी। इसके अलावा नदरलैंड की 111 है, अर्जेंटीना की 121 है, मुतहदा अरब इमारात की 122 है और बिटकॉइन जो है 117 के करीब जो है इसने टेरावाट आवर पर ईयर माइनिंग के अंदर एनर्जी कंजम्पशन की। तो यानी एक मुल्क के बराबर आप माइनिंग के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और इस एनर्जी कंजम्पशन की कोई यूटिलिटी नहीं है। देखें अगर आप पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पे घर के अंदर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो आप पंखा चला रहे होते हैं, आप रेफ्रिजरेटर चला रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ डिवाइसेस चला रहे होते हैं जिनकी एक यूटिलिटी होती है, जबकि यहाँ पे जो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ एक एक वैल्यू को फाइंड करने के लिए कर रहे हैं और उसकी कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट इस लिहाज से तो है कि आप बिटकॉइन अर्न कर लेते हैं, आपके पास पैसे आ जाते हैं, मगर इट्स सेल्फ ये जो एल्गोरिथम है प्रूफ ऑफ वर्क का वो इतना अच्छा नहीं है इस लिहाज से कि वो एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। इसके बिलमुकाबल प्रूफ ऑफ स्टेक जो है वो एनर्जी एफिशिएंट है जो कि इथेरियम ने अडॉप्ट किया है इसी खामी की वजह से। तो वैसे इस वक्त अगर आप साइंटिफिक दुनिया में देखें तो बहुत ज़्यादा एल्गोरिथम्स माइनिंग के आ चुके हैं, नए नए ऑल्टरनेटिव आ चुके हैं कि किस तरीके से माइनिंग के अंदर जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको मिनिमाइज किया जा सके। अच्छा, एक सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा वेल्थ या पावर बिटकॉइन के अंदर किसके पास है, क्या हम बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज करेंसी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, और क्या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या कोई पर्सन मैनिपुलेट भी कर सकता है या कंट्रोल भी कर सकता है। देखें जब बिटकॉइन लॉन्च की गई, अगर आप वाइट पेपर पढ़ें और साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ें तो क्लेम ये होता है कि भाई बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो कि आपको हुकूमतों की अजारादारी से निकालेगी, जो कि आपको IMF की अजारादारी से निकालेगी, जो कि वर्ल्ड बैंक की अजारादारी से निकालेगी, जो कि आपकी इकोनॉमीज को कंट्रोल करते हैं। अभी आप पाकिस्तान का हाल देख लें तो हमारी इकोनॉमी को हम ये बैंक और ये सारे लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी आई वो इस कॉन्टेक्स्ट में आई कि उन्होंने ये दावा किया कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इन हुकूमतों की अजारादारी IMF की अजारादारी से आपको निकालेगी और आपको एक लिबर्टी फराहम करेगी। अगर आप साइंटिफिकली इसको जाके इवेलुएट करें तो ये साइंटिफिकली दावे साइंटिफिकली तौर पे करेक्ट नहीं है, यानी ये जो दावे कर रहे हैं ये साइंटिफिकली तौर पे करेक्ट नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये अगर आप अभी भी जाके चेक कर लें माइनिंग पूल्स को जो माइन करते हैं तो 60% 70% जो माइनिंग कर रहे हैं वो 6 या 7 बड़े बड़े माइनिंग पूल्स कर रहे हैं, और ये माइनिंग पूल्स हिस्टोरिकली भी इनकी इतनी पावर होती है कि ये जाके मैनिपुलेट करते हैं, अपनी मर्जी का ब्लॉक ऐड कर सकते हैं, ब्लॉक में कौन सी ट्रांजेक्शन ऐड करनी है ये माइनिंग पूल्स ही डिटरमाइन करेंगे जब वो ब्लॉक को गैदर कर रहे होंगे, माइन कर रहे होंगे। और ये इसी तरीके से हार्ड फॉर्क भी बहुत सारे हुए हैं इन माइनिंग पूल्स के अंदर जब कंसेंसस नहीं हुआ। ये जो माइनिंग पूल बनते हैं ये बेसिकली बनते हैं जो है बहुत सारी माइनर्स आ जाते हैं, वो माइनर्स जो हैं वो माइनिंग पूल्स से माइनिंग पूल्स को अपनी रिसोर्सेज शेयर करते हैं और फिर ये माइनिंग पूल की सवाबदीद पे है कि उनमें से उन जो माइनर्स को वो एक्सेप्ट करें उनकी रिसोर्सेज को, और फिर वो कलेक्टिवली जो है ना माइनिंग के अमल को सॉल्व करते हैं और फिर उससे जो प्रॉफिट आता है वो तमाम जो लोग होते हैं उनको वो शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी बड़े माइनिंग पूल की वेबसाइट पर चले जाएं, जैसे FT पूल है, आंट पूल है या pool.in/ पूल है, तो वहाँ पर आप जाके उनको कह सकते हैं कि भाई मैं अपने कंप्यूटर को माइनिंग पूल का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, तो वो क्या करेंगे वो आपके कंप्यूटर आपका जो कंप्यूटर होगा उस पर वो कुछ वो रिसोर्सेज जो है आपकी माइक्रोप्रोसेसर की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा और थोड़ी सी माइनिंग के अंदर आपकी पावर को यूज़ करेगा, और इसके बदले जो आपसे एग्रीमेंट साइन किया होगा अगर वो माइनिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं या नहीं होते तो एक फिक्स यानी मुख्तलिफ उसकी एग्रीमेंट्स हैं उसके मुताबिक वो आपको
कुछ प्रॉफिट देंगे। तो इस तरीके से आप पैसिव इनकम कर रहे होते हैं, पैसिव इनकम ये कि बगैर कुछ किए आप पैसे कमा रहे होते हैं, तो ये भी एक पूरी एक लॉबी है। तो माइनिंग पूल्स का एक कब्जा हो चुका है। फिर दूसरी बात यह है कि ये जो मैंने आपको बताया कि जब 2000 जनवरी 3 2009 के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की गई, तो ये साइंटिफिक स्टडी है जो शो कर रही है कि किसके पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन से, यानी 2 साल के अंदर जब बिटकॉइन की कीमत $1 हुई, यानी 11 फरवरी 2011 को जाके एक बिटकॉइन $1 का हुआ, उस वक्त तक जब से ये लॉन्च हुई टोटल 64 लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा माइनिंग की, यानी ये 64 लोगों का ग्रो था जिन्होंने ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की और उन्होंने सबसे ज़्यादा माइनिंग करके अपने पास ये सारी कलेक्ट कर ली, और उसके बाद जाके उन्होंने लोगों के अंदर ये मशहूर किया बिटकॉइन की और लोगों को इस तरफ रागिब किया। तो ये कहना साइंटिफिकली तौर पे करेक्ट नहीं है कि बिटकॉइन पे किसी की इजारादारी नहीं है या उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये आपके सामने एविडेंसेस हैं माइनिंग पूल्स के भी, और ये हमने आपको स्टडी बता दी कि जिसके अंदर ये बताया गया कि कौन कौन से एड्रेसेस सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को रखते हैं। ये शुरू के 2 साल की स्टेटिस्टिक्स हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से अगर आप हालिया इवेंट्स को चेक करें तो आपके पास एक सेल्सियस नेटवर्क एक वेबसाइट थी, उस पे लोग जाके अपने अकाउंट्स क्रिएट करते थे, वहाँ से क्रिप्टो ट्रेडिंग करते थे, तो उन पे वहाँ पे 17 लाख लोगों ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए थे और उनके उसके ज़रिए से उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये सारी ट्रेडिंग करते थे। अब सेल्सियस नेटवर्क ने क्या किया कि फ्रोज कर दिया विड्रॉल्स को और ट्रांसफ़र को, ये जो 1.7 मिलियन है यानी 17 लाख लोग हैं। और उसकी वजह से हुआ क्या, क्योंकि बहुत बड़ी एक कंपनी थी, तो बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइस जो है ना वो सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई, 30-40% के करीब ड्रॉप हो गई, और फिर ये जो कंपनी है लिक्विडेट हो गई। अभी इसकी लिक्विडेशन की चीज़ें मुकदमे चल रहे हैं और लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा पैसा जो था जो इन्वेस्ट किया था वो डूब गया। इसी तरीके से अगर आप और साइंटिफिक स्टडीज़ को स्टडी करें तो आपको पता चलता है कि बिटकॉइन को डिसेंट्रलाइज करेंसी हम नहीं कह सकते, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये सिर्फ एक जो है स्लोगन के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, मार्केटिंग स्लोगन के तौर पे, और लोगों को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जो है इसमें कहा जाता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज है, बल्कि फैक्चुअली और साइंटिफिकली इस पर जो कंट्रोल है वो माइनिंग पूल्स का है, वेब वॉलेट्स का है, SVP एक पहले चीज़ होती थी वो उसके ज़रिए से भी आप बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। फिर देखें सबसे अहम बात यह है कि ये बिटकॉइन का जो कोड है ये कोड किसी ने लिखा है ना, और कोड में बार बार चेंजेस भी होती हैं। आप तो खुद अगर कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट हैं, अगर आप एक कोड लिखते हैं तो आप कोड के ओनर होते हैं, अगर आप उसको ओपन सोर्स भी कर लें तो एक टीम होती है ओपन सोर्स जो कि कोड के अंदर चेंजेस करती है, उसके नए वर्जन लेके आती है। तो अगर आप MIT की वेबसाइट पे जाके देखें तो आपको उन कोडर्स के नाम लिखे नजर आ जाएंगे कि जो कि सिग्निफिकेंटली कोडिंग करते हैं, बिटकॉइन के प्रोटोकॉल के अंदर चेंजेस करते हैं। तो ये कहना कि भाई कोई कोडर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, कोई चेंज नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। MIT के अंदर, अमेरिका के अंदर ही लोग मौजूद हैं, कोडर्स मौजूद हैं और दूसरे ममालिक के अंदर जो कि सिग्निफिकेंटली उस कोड के अंदर उसकी मेंटेनेंस करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। इस तरीके से क्वाइन टेंटिंग का एक अमल होता है बिटकॉइन के अंदर, जिसके अंदर बड़े बड़े जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो एड्रेसेस को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, और अगर आपके पास 10, 20, 100 बिटकॉइन हैं तो वो जो है आपके एड्रेस को ब्लैकलिस्ट कर देंगे और आपके वो तमाम जो बिटकॉइंस हैं उसको नेटवर्क तस्लीम ही नहीं करेगा, तो आपके वो खोटे सिक्के बन जाएंगे। इसी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली बेसलेस दावा है कि ये एक ऐसी करेंसी है जो कि आपको हुकूमतों से या अमेरिका से या जो है यहूदों ने सारा से आपको निजात देगी। एक्चुअली ये उन्हीं की प्रोडक्ट है, ये प्रोग्रामर्स हैं जो सिलिकॉन वैली के हैं, उन्होंने सोचा कि किस तरीके से जो है हमने लोगों को नई इन्वेस्टमेंट में लगाना है और पैसे बनाने हैं, जैसे नए स्टार्टअप्स क्रिएट करते हैं इसी तरीके से ये एक तरह का उन्होंने स्टार्टअप की क्रिएट किया जो कि करेंसी का नाम दिया गया उसको और उसको बहुत ज़्यादा जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट की गई। इसी तरीके से अगर आप टेरा USD यानी लूना को देख लें तो लूना भी जो है एक क्रिप्टो करेंसी थी और उसको भी वो भी कोलैप्स हो गई, तो उसके पीछे भी यही अवामिल शामिल हैं और लोगों का पैसा डूब गया। अच्छा, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से बिटकॉइन और इथेरियम को एक्सप्लोर करें तो ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ये रिसर्चर्स ने बनाई है और ये आपको माइनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताएगी कि इस वक्त करंटली कौन कौन से ब्लॉक माइन हो रहे हैं, कौन कौन से माइनिंग पूल्स जो हैं
वो उनकी डोमिनेंसी है। इसके अलावा भी वेबसाइट है, मगर ये आपको थोड़ा सा और की स्टैटिस्टिक्स साइंटिफिक साइंटिफिक टर्म्स के अंदर बताते हैं, अगर आप फर्दर इस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करना चाहें। इस तरीके से ये एक और वेबसाइट है, ETHstats.net। ये आपको इथीरियम के ब्लॉक्स के बारे में बता रही होती है कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, कौन माइन कर रहा है, उसमें हैश रेट क्या है वगैरह वगैरह, स्टेक्स क्या हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये सारी चीज़ें, नेटवर्क हैश रेट क्या चल रहा है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जो बिटकॉइन है ये फेमस कैसे हुआ और कैसे इसके अंदर वैल्यू लेके आई गई। देखिए ना, आप खुद एक नई क्रिप्टो करेंसी बना लें, उसका नाम रख लें मिसाल के तौर पे पंजाब क्वाइन, ओके, या UMT क्वाइन, कोड आपके पास मौजूद है, मगर सवाल ये है कि आपके उस क्वाइन से लोग, उसकी कोई वैल्यू तो होगी नहीं ना, लोग उससे कोई चीज़ ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं, तो फिर उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक जो है ना कैंपेन कर चलानी पड़ेगी। तो बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में भी यही हुआ। तो जब बिटकॉइन थी, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों ने मिलकर ये बनाई, बहुत ही पावरफुल लोगों ने, तो शुरू में इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो उन्होंने एक वेबसाइट डेवलप की सतोशी डाइस के नाम से, और उसके अंदर उन्होंने ये इंसेंटिव दिया कि जो भी बंदा गैम्बलिंग करेगा यानी जुआ खेलेगा तो उसको डिफरेंट मल्टीप्लायर्स के हिसाब से उसको रिटर्न मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास इस वक्त एक बिटकॉइन है, आप इस वेबसाइट पे चले जाएं और अगर 3x के मल्टीप्लायर पे आप अपने वो एक बिटकॉइन भेजेंगे, तो ये क्या करेगा, ये अगर आप वो जुआ जीत गए तो आपको 3x यानी 3 बिटकॉइन रिटर्न में मिल जाएंगे। इसी तरीके से 10x है, 25x है, 50x है, 100x है और 1000x है। तो मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके पास एक बिटकॉइन है, वो 1000x के एड्रेस पे अपना एक बिटकॉइन भेजेगा। अब हो सकता है उसका एक बिटकॉइन जुए में वो हार जाए, और अगर वो जीत जाए तो उसको 1000 बिटकॉइन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जब लोगों ने देखा कि यार ये तो यानी ये गैम्बलिंग चल रही है, और गैम्बलिंग कानूनी तौर पर जायज़ है बाहर ममालिक के अंदर, गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर, वहाँ पर बाकायदा हुकूमती सतह पर गैम्बलिंग को फ़रोग किया जाता है, स्कीम्स होती हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलेटेड है वो, तो लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया। और अगर आप, ये मैंने आपको ट्रांजेक्शन्स का हिसाब बताया, शुरू में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही थी जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुई, 2010 के अंदर। फिर आप देखें जब ये वेबसाइट लॉन्च हुई, और इन एड्रेसेस को जाके आप ट्रैक करें, जो एड्रेसेस जिस एड्रेस पे आप भेजेंगे तो उनके एड्रेसेस मेंशन है यहाँ पे, और उनकी जो ट्रांजेक्शन आप जाके ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यकायक जब ये वेबसाइट लॉन्च की गई उसके बाद उसमें जो है ना 50,000 60,000 के करीब ट्रांजेक्शन होना शुरू हुई। तो और वो ये ट्रांजेक्शन यहीं से हो रही थी, और ये आप साइंटिफिक स्टडीज के अंदर ये बाकायदा रिपोर्टेड है। और अब ये जो वेबसाइट है, अब ये बिटकॉइन नहीं यूज़ करती, अब ये बिटकॉइन का जो दूसरा BCH है, बिटकॉइन कैश, वो यूज़ करती है, मगर पहले ये बिटकॉइन BTC यूज़ करती थी। तो इस तरीके से लोगों के अंदर जो है ना इंटरेस्ट डेवलप किया गया और बिटकॉइन को मशहूर किया गया। तो बुनियादी तौर पर ये गैम्बलिंग के अंदर इस्तेमाल हुई हुई थी शुरू के अंदर। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी का कोई ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है क्या? असल में देखें, अगर आप बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है, और इस वक्त भी अगर हम अपने पाकिस्तानी रुपयों की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा जो ट्रेडिंग करते हैं वो हार्ड फॉर्म में कैश से तो नहीं कर रहे होते, बैंक ATM में जाते हैं तो ATM कार्ड यूज़ करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो बैंक के ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए से कर रहे होते हैं, तो वो डिजिटल हम सारी ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। तो अगर डिजिटलाइजेशन ही हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें क्या हर्ज है? देखिए, बुनियादी तौर पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं दुनिया भर के अंदर, और दुनिया भर के जो हुकूमतों ने अपनी 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 क्रिप्टो करेंसी यानी गवर्नमेंट ओन डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। अच्छा, इस गवर्नमेंट ओन करेंसी के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर फ़र्क ये है बुनियादी तौर पे कि वो प्राइवेट एंटिटीज लॉन्च करती हैं, उनके पीछे हुकूमत नहीं होती, और उसकी कोई कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स की कोई गारंटी भी नहीं होती, जबकि ये जो है ये हुकूमत ही अपनी करेंसी को डिजिटलाइज कर रही है। मिसाल के तौर पर हुकूमत पाकिस्तान क्या करे कि पाकिस्तानी रुपया हार्ड फॉर्म में मौजूद है, साथ साथ वो उसका एक डिजिटल वर्जन भी बना दे पूरा, और वो डिजिटल वर्जन जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहलाएगा। तो इसी तरीके से दुनिया भर में बहुत सारे इनिशिएटिव हुए जिनको CBDC कहा जाता है, और दुनिया भर में इस पे काम हो रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे। डिजिटल यूरो है, यूरोप के अंदर काम हो रहा है कि यूरो की जो डिजिटल फॉर्म है उस पे वो लेके आया जाए, उस पे कानून साजी भी हो रही है। तो यहाँ तक तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक। अब मैं थोड़ा सा आपको क्विकली ब्लॉकचेन से मुतालिक बताऊंगा कि ब्लॉकचेन जो मैंने पहले टेक्नोलॉजीज डिस्कस की, मेटावर्स, क्रिप्टो करेंसी, NFTs, ये सारी चीज़ें, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मरहूने मिन्नत हैं।
ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम को आप इस तरीके से समझ लें कि लेजर बुनियादी तौर पे पुराने ज़माने के अंदर जब हमारे पास कोई असासा होता था, मिसाल के तौर पे कोई जानवर हैं, गायें बकरियां हैं, या ज़मीन ज़मीनें हैं, या ज़रई ज़मीन है, या घर है, मकान है, तो कंप्यूटर तो पहले होते नहीं थे, तो हम क्या करते थे कि उसको रजिस्टर्स के अंदर, कॉपियों के अंदर लिखते थे कि भाई ये ज़मीन इसकी मलकियत है, ये जानवर इसकी मलकियत है, और फिर अगर ट्रांसफ़र करना होता था उस रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड हम चेंज कर लेते थे। तो जब कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर आने से हमने उस रिकॉर्ड को डिजिटाइज किया, तो ये फिर लेजर बन गया, कंप्यूटराइज डिजिटल लेजर बन गया। और इसको पहले शुरू शुरू के ज़माने के अंदर जो है आप रिकॉर्ड्स को मैन्युअली रजिस्टर के अंदर सेव करते थे, फिर जब आप कंप्यूटर आया तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर या इस तरह के जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन सेव करना शुरू की। मगर मैसिव लेवल पे जब इसका इस्तेमाल हुआ कंप्यूटर का और इंटरनेट आया, तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बढ़ गई। तो फिर आपने कहा कि हम डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, वो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कहते हैं आप RDBMS या DBMS, जिसमें ओरिकल है और दूसरे डेटाबेस सिस्टम्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर नादरा है, तो नादरा के पास डेटाबेस सिस्टम है, नादरा हेडक्वार्टर्स के अंदर सेंट्रल सर्वर होगा और बैकअप सर्वर होगा, और नादरा के आप लाहौर के ऑफिस के अंदर या कराची या क्वेटा के ऑफिस के अंदर जाएंगे, और वो जहाँ पे जो बंदा होगा वो ऑथेंटिकेशन करने के बाद सर्वर को एक्सेस करेगा और डाटा के अंदर चेंजेस कर देगा, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे, या नया रिकॉर्ड ऐड करना है या डिलीट करना है। मगर उसके लिए उसके पास क्रीडेंशियल्स होने चाहिए और जो सर्वर है उसको वो अप्रूव करे। तो ये तो ट्रेडिशनली हो रहा है। ब्लॉकचेन क्या करता है? ब्लॉकचेन ये कहता है कि आपको सेंट्रल एंटिटी की ज़रूरत नहीं है, आप उस सेंट्रल एंटिटी को रिमूव कर दो, और अगर आपके पास 51% से ज़्यादा नोड्स जो हैं वो कंसेंसस डेवलप कर लें, वो आपस में ही डेवलप कर लें, तो वो रिकॉर्ड जो है वैलिड माना जाएगा। यानी सेंट्रल एंटिटी को रिमूव कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइज जो है उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बैंक्स और ब्लॉकचेन को कंपेयर करें, तो देखें ब्लॉकचेन मॉडल के अंदर या बिटकॉइन के अंदर बेसिकली जो जो रेगुलेशन होती है वो कंसेंसस एल्गोरिथम कर रहा होता है बेसिकली, और बैंकिंग के अंदर सेंट्रल बैंक हो रहा होता है। जो ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन होती हैं वो बैंकिंग मॉडल के अंदर सेंट्रल ही होती हैं, जबकि बिटकॉइन के अंदर कंसेंसस एल्गोरिथम करता है। जो मनी क्रिएट होती है बैंकिंग मॉडल के अंदर वो लोन्स के जरिए से होती है, जबकि बिटकॉइन के अंदर माइनिंग के जरिए से होती है। तो इस तरीके से जो है आप कंपेयर कर सकते हैं बैंकिंग मॉडल को और बिटकॉइन को। ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए से बताया गया कि एलिस है जो कि पैसे भेजना चाहती है बैंक की मदद से, तो वो क्या करेगी कि अपने कंप्यूटर पे अपने मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगी और अपने अकाउंट के जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करेगी, और उस पर लिखा आ जाएगा कि मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस मौजूद है। तो वो बैलेंस जो है वो किसी को भेजना चाहे तो उसके जो अकाउंट नंबर है उस पर वो सेंड के बटन पर क्लिक करेगी, और वो जो रिक्वेस्ट है वो एलिस के बैंक पे जाएगी। एलिस के बैंक का डेटाबेस चेक करेगा कि वाकई एलिस के अकाउंट में इतने पैसे हैं भी हैं भी कि नहीं, और फिर वो जो है ना वो रिक्वेस्ट जो है वो बॉब के लेजर में बैंक में चली जाएगी। बॉब का बैंक चेक करेगा इस ट्रांजेक्शन को, और वो जो जितने 1000 US डॉलर हैं वो बॉब के अकाउंट में इंसर्ट कर देगा, और जब बॉब उसको चेक करेगा तो उसको नज़र आ रहा होगा। और इस बीच में सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेटर का काम करेगा, कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको वो हैंडल आउट कर लेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स रेगुलेटरी बॉडी या सेंट्रल एंटिटीज का काम कर रहे होंगे और आपकी तमाम ट्रांजेक्शन को फैसिलिट कर रहे होंगे। डेफिनेटली ये अपने पैसे भी काट रहे होते हैं, आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर डिले भी होता है। तो ब्लॉकचेन सिस्टम ये कहता है कि आप इस सेंट्रल एंटिटी को बीच में से हटा दें और आपके पास लेजर की कॉपी हो, हर एक के पास कंप्लीट कॉपी हो, और फिर एक बंदा कोई ट्रांजेक्शन करे और उस ट्रांजेक्शन को माइनर माइन करे और दूसरे लोग उसको वैलिडेट करें, और इस तरीके से जो है ना वो ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा डिसेंट्रलाइज तौर पे। तो ये बहुत बड़ी इनोवेशन है, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है डिसेंट्रलाइज कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और जो सतोशी नाकामोटो का जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है साइंटिफिकली अगर हम देखें, तो बिटकॉइन के पीछे जो उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट दिया है, और ये ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट सिर्फ क्रिप्टोकरेंसीज में यूज़ नहीं हो रहा, बल्कि ये बेसिकली डेटाबेस की जो सेंट्रलाइजेशन वाली थ्योरी है या सेंट्रलाइजेशन वाली जो एस्पेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए ये जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है दुनिया भर के अंदर। तो जहाँ पे भी हम जो है डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, हम वहाँ पे सोच सकते हैं कि वहाँ पे ब्लॉकचेन को भी यूज़ करें, मगर ब्लॉकचेन हर
हर जगह यूज नहीं हो सकता, आपको उसकी फिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि किन किन सिनारियो, किन किन एप्लीकेशन के अंदर वो एप्लीकेबल भी है उसका इस्तेमाल और कहाँ पे नहीं है। ये थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स हैं, चूंकि टाइम की कमी है तो मैं क्विकली इसको स्किप कर देता हूँ और मेन आपको एक एक दो चीज़ें और शेयर कर देता हूँ। तो बेसिकली ये देखें, ये एक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इस एग्जांपल के ज़रिए से यहाँ पे बिटकॉइन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो देखें ये चार कंप्यूटर हैं दुनिया भर के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर, हर कंप्यूटर के पास एक लेजर की एक कॉपी है। अब यहाँ पे कोई सेंट्रल एंटिटी मौजूद नहीं है, तो आपके पास एलिस है, एलिस ने कुछ पैसे भेजने हैं बॉब को, बॉब जो नीचे मौजूद है, तो एलिस क्या करेगा, एक ट्रांजेक्शन होगी, वो ट्रांजेक्शन लॉन्च करेगा। वो ट्रांजेक्शन लॉन्च करेगा तो हर कंप्यूटर के पास एक पेंडिंग ट्रांजेक्शन पूल होगा, उसमें वो ट्रांजेक्शन चली जाएगी। फिर उसके बाद जो है ये जो एलिस है, ये ट्रांजेक्शन जो है वो तमाम लोगों को शेयर करेगा, तो तमाम लोगों की जो कॉपी होगी लेजर की वो अपडेट हो जाएगी और उनकी पेंडिंग ट्रांजेक्शन के अंदर ये ट्रांजेक्शन आ जाएगी। फिर उसके बाद एक माइनिंग का अमल होगा, कोई भी बंदा माइनिंग कर सकता है, जो माइनिंग करेगा तो माइनिंग के अंदर उस ट्रांजेक्शन को वो ऐड कर देगा और फिर वो न्यू ब्लॉक जो है वो तमाम लोगों को शेयर कर देगा और जो न्यू ब्लॉक है वो सब लोग लेजर के अंदर अपडेट कर देंगे। और इस तरीके से लेजर की जो स्टेट है, यानी खाते की जो स्टेट है वो अपडेट होगी, यानी नंबर्स अपडेट होंगे इटसेल्फ। चूंकि बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता, कॉइन एग्जिस्ट नहीं करते डिजिटली, तो वो चीज़ ट्रांसफर नहीं हुई, बल्कि आप सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं कि भाई डेटाबेस के अंदर ये एंट्री अपडेट कर दो, पहले ये बिटकॉइन इसके पास थे, अब उसके पास से हटा के इसके पास लिख दो। इस तरीके से जो है बिटकॉइन ट्रांसफर होते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक और NFTs के बारे में बताता चलूँ। NFTs नॉन फंजिबल टोकन्स को कहा जाता है। NFTs आप NFT मार्केट से, जैसे OpenSea है, निफ्टी गेटवे है, NBA टॉप शॉट्स हैं, यहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। क्रिप्टो पंक्स हैं, रेरेबल है। बुनियादी तौर पे इसको इस तरीके से समझ लें कि आपके पास एसेट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं टेंजिबल एसेट्स जो कि फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, और एक इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि नॉन फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। तो एसेट्स डिजिटल भी हो सकते हैं और नॉन डिजिटल भी हो सकते हैं। अब फंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं और म्यूचुअली इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी मिसाल के तौर पर अगर $1 का नोट है या ₹1,000 पाकिस्तानी का नोट है, तो आप देख के वो बदल किसी से भी तब्दील कर सकते हैं, उनकी वैल्यू एक ही रहेगी। जबकि नॉन फंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो कि यूनिक होते हैं और उनकी यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं और उनको आप ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते इक्वली। जैसे मिसाल के तौर पर डायमंड है, तो हर डायमंड का जो टुकड़ा होगा वो एक यूनिक एस्पेक्ट रखेगा। तो इसी तरीके से डिजिटल एसेट्स के अंदर भी हमारे पास बास तो डिजिटल एसेट ऐसे हैं जो कि फंजिबल हैं और बाज ऐसे होते हैं जो कि नॉन फंजिबल हैं। तो ये NFTs रिप्रेजेंट करती हैं नॉन फंजिबल टोकन्स को या नॉन फंजिबल डिजिटल एसेट्स को। और इसके अंदर आपका म्यूजिक भी हो सकता है, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वीडियोज़ भी हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब NFTs में जो बुनियादी तौर पर इशू है वो ये है कि NFT तो आप बना लेंगे अपने डिजिटल एसेट को, और उसको बनाने का मकसद ये था कि अगर आप अपनी कोई डिजिटल एसेट बनाते हैं तो आपके पास एक प्रोटेक्शन चाहिए कि यार मैं क्लेम कर सकूं कि मैंने ये डिजिटल एसेट बनाया है। तो जब आप NFT बनाते हैं फिर भी आपको उसकी लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया में इसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए इसी आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर आप कोई नई ईजाद करते हैं तो आप पेटेंट ऑफिस में जाकर उसको रजिस्टर करवाएंगे, मगर अगर आप कोई नई तस्वीर बनाते हैं तो आपके पास ये तो हुकूमत का इदारा होना चाहिए जो कि उसको रजिस्टर करें। अगर आप उसकी NFT बना लेते हैं तो हुकूमत तो उसको तस्लीम नहीं करेगी, जैसे मैंने पहले एग्जांपल देके आपको बताया कि उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस हैं और लीगली उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अच्छा, जो अहम चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा वो ये कि देखें जो यूरोप है वहाँ पे यूरोप में यूरोपियन बैंक्स ने, सेंट्रल बैंक्स ने ख़ास तौर पर लोगों को कहा है कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें सट्टेबाजी है, स्पेकुलेटिव है, हाईली वॉलेटाइल है और यहाँ पे लाखों हज़ारों लोगों का सरमाया डूबा है और इसके पीछे कोई बैक गारंटी भी नहीं होती। तो यूरोप के अंदर और इन ममालिक के अंदर बुनियादी तौर पे कंज्यूमर राइट्स को देखा जाता है, और कंज्यूमर राइट्स को देखने की वजह से जब लोग इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि और कोई गारंटी होती नहीं है। तो इस वास्ते यूरोप की हुकूमतें और ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं
ये इसको एज अ करेंसी के तौर पे भी एक्सेप्ट नहीं करती और इसको प्रमोट भी नहीं करती, और ये इंडिविजुअल एंटिटीज़ हैं जो इसको प्रमोट कर रही होती हैं क्योंकि उनको पैसे बनाने हैं। मगर गवर्नमेंट लेवल पे इसको सख्ती से मना किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और आखिरी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि देखें, ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, अगर आप उलमा इकराम से पूछें, हम चूँकि मुसलमान हैं और तो हमने हर हर काम में उलमा इकराम से पूछ पूछ के काम करना है, तो उलमा इकराम इससे मना करते हैं, इससे इज्तनाब करने का कहते हैं क्योंकि इसमें शरई तौर पर बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड हों इसकी मज़ीद डिटेल के लिए, तो आप जो बड़े बड़े जदीद उलमा इकराम हैं, दारुल इफ्ता हैं, जैसे दारुल कराची है, दारुल देवबंद है, जामियतुल उलूम इस्लामिया बनौनी टाउन है, लामा बनौनी टाउन, आप वहाँ पे इससे मुतालिक तफसीलात पूछ लें, क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक, NFT से मुतालिक, और उस पे अमल करें जो ये हजरत इरशाद फरमाते हैं। और ख़ुद जो है ना यूट्यूब से या जो बहुत सारे लोग सेल्फ प्रोक्लेम आके इसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनकी बातों में ना आए बल्कि ऑथेंटिक बात पे चलते हुए जो है ना इन चीज़ों से बचा ही जाए, क्योंकि ये हमारा ना सिर्फ दुनिया भी ख़राब करेंगी बल्कि आखिरत भी ख़राब करेंगी। तो मैं यहाँ पे अपनी टॉक को ख़त्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुना पूरी टॉक को। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि जो जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो बैंक के जो पेपर मनी उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है? क्या आपका सवाल रिपीट करेंगे, आवाज नहीं आई थी मुझे। जी मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर आप अपने क्वेश्चन अगर थोड़ा लाउडली पूछ लें। सर सवाल ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैंकिंग करेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है? जी इफेक्ट तो ये डाल रही है कि वो जो बैंकिंग सेक्टर है या जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्रेशराइज हुई हैं, और प्रेशराइज होकर उन्होंने खुद अपनी करेंसीज को डिजिटलाइज किया है। तो एक तरह का प्रेशर तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो उन्होंने चीज़ों को बहुत सीरियसली देखना शुरू किया है, हुकूमतों ने और बैंकिंग सेक्टर ने, और ख़ास तौर पे जो 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 ट्रेल जो मनी ट्रेल देखने वाले इदारे हैं जैसे FIA है, और इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी इदारे हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसीज को बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो है इसके पीछे कोई रेगुलेशन नहीं है, ये बेसिकली एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट की जा रही है, और उसमें जो टारगेट ऑडियंस हैं वो लोग हैं जो कि जिनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है साइंटिफिकली तौर पे, आम आवाम जिसे कहते हैं, और आम आवाम को चूँकि इससे गर्ज नहीं है कि क्या पीछे बैकेंड चल रहा है, उनको तो सिर्फ ये गर्ज है कि यार हमें प्रॉफिट मिल जाए, तो वो इस चक्कर में आ जाते हैं, और उनको प्रॉफिट मिलता भी है क्योंकि ये लोग इस तरीके से चलते हैं कि आपको शुरू में प्रॉफिट देते भी हैं, आपको प्रॉफिट बनता भी है, और फिर जो है बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना ये अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा कोई और सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे ना कुछ दोस्त ये फ्यूचर पे ना वो खेलते हैं, मतलब कुछ पैसे लगाते हैं, मतलब 1 रुपया लगाएंगे और 10x मतलब लगाते हैं, तो मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि ये चीज़ हराम है, मतलब हराम। मैं काफ़ी रिसर्च की इस पे, तो मुझे इससे यही पता चला कि हराम है, तो मैं आपसे कन्फर्म करना चाहता हूँ, उन्हें बता दें वो इस मीटिंग में ही है। जी देखें, पहली बात तो ये समझ लें कि जैसे जो शरई जो बात है उसमें किसी साइंटिस्ट की बात मोतबर नहीं होगी। मैं भले जितना बड़ा भी साइंटिस्ट हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि फला चीज़ जायज़ है या फला चीज़ नाजायज़ है, तो उसकी कोई शरई हैसियत नहीं होगी।
तो हमने जो शरई सवाल पूछना है वो मुफ्तियाने इकराम से पूछना है। अब प्रॉब्लम यह है कि यूट्यूब पे अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे लोग मुफ्तियाने इकराम के नाम पे जो है वो गलत बातें, अनसाइंटिफिक बातें और जो ऐसी बातें शेयर कर रहे हैं जो कि जिसकी कोई शरई हैसियत भी नहीं है। तो इसी बात से मैंने जैसे यहाँ पे अर्ज़ किया कि आप ये सवाल जैसे बड़े बड़े जो दारुल इफ्ता हैं, जैयद दारुल इफ्ता हैं, जैयद बड़े मोतबर दारुल इफ्ता हैं और जैयद मुफ्तियाने इकराम हैं, उनसे पूछें। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो मैं उनकी मैंने ये मसला चूँकि उनसे पूछा हुआ है और मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम जमहूर उलमा मुफ्तियाने इकराम के नज़दीक, बड़े उलमा इकराम के नज़दीक, बल्कि तमाम ही लोगों के नज़दीक जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो नाजायज़ है। फ्यूचर ट्रेडिंग, क्योंकि फ्यूचर के अंदर होता यह है कि आपके पास चीज़ मलकियत नहीं होती, कब्ज़ा भी नहीं होता और आप जो है ना आगे उसको कर रहे होते हैं। तो फ्यूचर के लिए फ्यूचर तो सख्ती से मना है, मगर क्रिप्टो करेंसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मुफ्तियाने इकराम मना फरमाते हैं कि इससे बचा जाए, इसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए। ये शरई तौर पर भी जुआ और सट्टेबाजी के हुक्म में आती है, मुफ्तियाने इकराम ये कहते हैं। और साइंटिफिकली भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उसको सिंपली कहते हैं ये लॉटरी है, ये गैम्बलिंग है, ये जुआ है इट्सेल्फ, और इस ये जस्ट एक एक इंस्ट्रूमेंट है, गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो गैम्बलिंग करना चाहते हैं वो करें, मगर उसको जो है ना दीन के लिबादे में ओढ़ के हम हलाल हलाल बिटकॉइन या हलाल क्रिप्टो करेंसी ना कहें। मुफ्तियाने इकराम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं। जी और कोई क्वेश्चन? जी देखें, जो अगर गवर्नमेंट जो है डिजिटलाइज कर रही है अपनी करेंसी को, तो गवर्नमेंट उसकी जो है ना गारंटी देती है, उसको सपोर्ट करती है, कंज्यूमर राइट प्रोवाइड करती है। जो यूरोप में खास तौर पे जो इशू है, यूरोप एक तरफ तो अपनी करेंसी को डिजिटलाइज कर रहा है, यूरो का डिजिटल वर्जन लेकर आ रहा है, और दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी से मना कर रहा है। उसकी वजह यह है कि यूरोप के अंदर, देखिए मैं आपको एक अहम बात बताता हूँ, एक तो नॉर्मल जुआ होता है ना, जुआ और सट्टेबाजी होती है। तो यूरोप के अंदर जैसे फ्रांस में चले जाएँ, आयरलैंड में चले जाएँ, यूके में चले जाएँ, यहाँ पे आपको कैसिनोज मिल जाएंगे, आपको गैम्बलिंग के जो है शॉप्स मिल जाएंगी, आप गवर्नमेंट लेवल पे जुआ खेलते हैं, यहाँ पे पाबंदी नहीं है, लीगली जायज़ है। मगर मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है वो एक गैम्बलिंग की शॉप लगाता है और उसमें ये कहता है कि यहाँ पे आगे सार्फिन जुआ खेलें, मगर हर मरतबा वो सार्फ जो है ना हार जाए, तो ऐसे जुए की मशीन को या ऐसी दुकान को गवर्नमेंट बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि यार कंज्यूमर को पूरे राइट्स मिलें, अगर वो जुआ खेले तो बाद मरतबा जीत जाए, बाद मरतबा हार जाए। ठीक है, अब देखें जुए के अंदर भी हुकूमत ने ये रेगुलेशन रखी हुई है, अमेरिका में, यूरोप के अंदर, इन ममालिक के अंदर। अब क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा जुआ है जो जुए से भी बदतर है, ठीक है, साइंटिफिकली भी और मुफ्तियाने इकराम भी ये कहते हैं। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन ही नहीं है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और कंज्यूमर राइट्स ही नहीं है। यानी अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो आप जो है आप उसको परस्यू ही नहीं कर सकते। तो इस वास्ते यूरोपियन हुकूमतें और जो हुकूमतें हैं दीगर ममालिक की, वो सख्ती से इसको ना तो करेंसी कंसिडर करती हैं, क्योंकि करेंसी के कुछ फीचर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर करेंसी का फीचर होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल हो, या स्टोर ऑफ वैल्यू उसके अंदर हो, या यूनिट ऑफ अकाउंट के तौर पर हो। तो ये तमाम सिफात साइंटिफिकली दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि ये इसके अंदर पाई नहीं जाती। तो इस वास्ते जो है ये यूरोपियन हुकूमतें और ये सख्ती से मना करती हैं। जी एक क्वेश्चन हमारे पास है रूबीना की जानिब से कि ब्लॉकचेन जो है वो ट्रांजेक्शन शेयर करती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा जब आप ब्लॉकचेन नेटवर्क को पब्लिक लेवल पर लेके जाएंगे और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी तो, और या बहुत ज़्यादा डेटा हो तो ट्रांजेक्शन की स्पीड कम हो जाती है, जो थ्रूपुट है नेटवर्क की वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपके पास जैसे जैसे डेटा इंक्रीज होगा ब्लॉकचेन के अंदर डेटा का, तो आपके पास जो स्पेस है, क्योंकि लेजर की पूरी कॉपी आप हर नोट के ऊपर सेव करवा रहे हैं, तो उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस रिसर्चर्स ने दिए हैं, जैसे ऑफ चेन स्टोरेज है, या इस तरह के लाइट वेट ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। रिसर्चर्स ने प्रपोज किए हैं कि किस तरीके से डाटा की इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, मगर अभी भी बहुत सारे ओपन इश्यूज हैं जिन पर रिसर्चर्स और साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और काम करने की ज़रूरत है।
जी देखें, पहली बात तो यह है कि अगर गवर्नमेंट अलाउ भी कर दे माइनिंग को या क्रिप्टो करेंसी को, तो हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम मुफ्तियाने कराम की बात पे अमल करते हुए इससे बचेंगे, माइनिंग से भी बचेंगे और क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट करना, एनएफटी से, इन सारी चीज़ों से बचेंगे। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने, जैसे बैंकिंग सिस्टम अलाउ है, सूद अलाउ है, हुकूमत ने कानून साजी की हुई है, तो हम सूद से बच, यानी हम कोशिश करते हैं कि सूद से जिस हद तक बचें। तो यही केस जो है ना क्रिप्टो करेंसी के माइनिंग के अंदर कॉन्टेक्स में भी आएगा, तो हम इन चीज़ों से जो है मुफ्तियाने कराम ये कहते हैं कि इनसे बचे ही और माइनिंग वगैरह ये फैसिलिटीज ना लगाएं। जी मुझे हार्ड वॉलेट के बारे में ये अभी इल्म नहीं है, चेक करके बताना पड़ेगा जो आपने क्वेश्चन पूछा है। कोई और क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने कहा कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिप्टो भी तो एक इन्वेस्टमेंट की तरह ऐसे ही होता होगा कि मिसाल के तौर पे अगर मैं आज की डेट में कोई प्लॉट पे इन्वेस्ट कर लेता हूँ, वो खरीद लेता हूँ, कि जब इसकी जो है वैल्यू कीमत बढ़ जाएगी तो मैं उसको सेल कर दूंगा, तो क्रिप्टो भी तो सर इसी तरह से आएगी कि मैं आज जो है वो इन्वेस्ट कर देता हूँ, इसकी अगर इसकी फ्यूचर में कीमत बढ़ जाएगी तो मैं उसको बेच दूंगा, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? जी बहुत अच्छा सवाल है। देखें एक तो सवाल मिसाल के तौर पर अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे ये पूछे तो हम उसको कहते हैं कि यार कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट है, ये गैर मुस्लिम के लिए है जो कि मुसलमान नहीं होगा। और अमेरिका में, यूरोप में वो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट को या करेंसी की इन्वेस्टमेंट को या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने को वो ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, उनके नज़दीक दोनों चीज़ें बराबर हैं। मगर अगर हम देखें तो हमारे नज़दीक जो मुफ्तियाने कराम से हम पूछते हैं, उनको जो चीज़ें बताते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इस्लाम एक पूरा निज़ाम देता है ना, तो इस्लाम के अंदर खरीदो फरोख के भी अहकाम मौजूद हैं। तो जो खरीदो फरोख के अहकाम हैं वो क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो उस पर पूरा नहीं उतरती, ठीक है। मुफ्तियाने कराम ये कहते हैं कि इसमें जो है ये चीज़ फर्जी नंबर है, महज फर्जी नंबर है, और उसकी पूरी डिटेल है। अगर आप इसमें फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं, दलाइल देखना चाहते हैं, तो आप जो बड़े बड़े दारुल इफ्ता हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके इसकी डिस्कशन चेक कर सकते हैं, उनके जो उन्होंने बताए हैं। तो इस वजह से वो मना करते हैं क्रिप्टो करेंसी से इन्वेस्ट को, या इन्वेस्टमेंट को, क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर वो सख्ती से मना करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। देखें शराब है, शराब को कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले कि भाई मैं शराब खरीद के उसको बेचूंगा, तो मुफ्तियाने कराम मना करेंगे ना। इसी तरीके से अगर कोई सोना खरीदे और सोना ऐसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले मगर उसमें शरीयत के रूल्स को फॉलो ना करे, यानी उसने सोना बाय किया 1 करोड़ रुपए का और अभी ना उसने कोई कब्जा हुआ, ना उसके एजेंट ने उसको लिया और उसको वो आगे जाके बेच दे बगैर कब्जा किए, बगैर उसके, तो वो जायज़ नहीं होगा इवन सोने को भी। तो शरीयत के वो रूल्स हैं, उन रूल्स को हमने पहले सीखना है कि वो कौन कौन से रूल्स हैं किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और फिर हम उसको फॉलो करेंगे। तो हम अगर मुफ्तियाने कराम से रुजू कर लें तो हमें सारे उसके अहकाम बता देंगे और फिर हम इन्वेस्ट करें। इवन प्लॉट के अंदर अगर प्लॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, खाली फाइल है, तो मुफ्तियाने कराम तो उसको भी मना करते हैं ना, अगर एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इस तरीके से बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो वो डिटेल्स अगर आप मुफ्तियाने कराम से मालूम कर लेंगे, ऑथेंटिक मुफ्तियाने कराम से, ऑथेंटिक दारुल इफ्ता से, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी बाबर साहब। जी सर माशाल्लाह, आपने माशाल्लाह स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया है और बच्चों के एक्साइटमेंट और उनके क्वेश्चन देख के लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है। अब बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो है रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाए ताकि हम दोबारा से इसको सुन सकें, लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा था और टाइम स्पेंड थोड़ा था, तो चीज़ों को इट विल बी सो नाइस अगर हमारे साथ आप सारा सेशन जो है ना जो आपने रिकॉर्ड किया है उसका लिंक शेयर कर दें। जी बिल्कुल। और उसके अलावा मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप फर्दर भी इन फ्यूचर भी आप हमें एनलाइटन करते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग का लिंक शेयर कर दूंगा और उसको मैं पब्लिक भी कर दूंगा लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, ये रिकॉर्डिंग जो सेशन की हुई है इंशाल्लाह आपको भी शेयर कर दूंगा। और बिल्कुल ज़रूर जब भी कोई भी नेक्स्ट सेशन हो, किसी और टॉपिक पे हो, स्कॉलरशिप से मुतालिक हो कि हम हायर एजुकेशन यानी बाहर अमेरिका में, यूरोप में स्कॉलरशिप, PhD स्कॉलरशिप कैसे लेने जाएँ, मास्टर कैसे लेने जाएँ, तो मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उस पर भी बात करता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो या डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के जो
दूसरे टॉपिक्स हैं कि रिसर्च कैसे की जाए वगैरह वगैरह, तो जब भी कोई ऐसा सेशन रखना हो तो मेरी खिदमत हाजिर है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।